समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। यू कैन आस्क फॉर अ डिस्कशन, व्हाट डू मोर यू वांट? रहने का अधिकार नहीं है ना, मैं हाउस का स्पीकर हूं। ओके, सभापति जी, इम्पोर्टेंट मामला है, 3 मिनट से काम नहीं चलेगा, कम से कम 5-10 मिनट मुझे बोलने का मौका दिया जाए। माननीय उप सभापति जी, जब से केंद्र में बीजेपी की इनकी एनडीए की सरकार बनी है, तो तब से पूरे देश में और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो इन्होंने अपनी जातिवादी 267 मार। आप लोग मुझे अपनी बात रखने दो, आप सुनिए सुनिए, अरे सुनिए सुनिए, 267 मार चल गए। चलो मान्यवर, जब से केंद्र में बीजेपी व इनकी एनडीए की सरकार बनी है, तो तब से पूरे देश में और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो इन्होंने अपनी जातिवादी सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में वे अपने नफे नुकसान को भी सामने रखकर यहाँ विशेषकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों एवं मध्यम वर्ग जो बड़े पैमाने पर शोषण में उत्पीड़न जो अभी भी लगातार जारी है, तो वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इस संदर्भ में माननीय, इस संदर्भ में मैं पूरे सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश में बीजेपी व इनकी सरकार द्वारा एक सोची समझी राजनीतिक साजिश व स्वार्थ के तहत वहाँ जिला सहारनपुर के सबीपुर गांव में कराए गए दलित उत्पीड़न कांड की तरफ दिलाना चाहती हूं, जिस पर पर्दा डालने के लिए बाद में फिर इन्होंने एक दलित संगठन को भी इस्तेमाल करके इसे जातीय हिंसा का रंग दिया है, रूप दिया है। जबकि मान्यवर, इस कांड की सच्चाई ये है कि इस वर्ष 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती थी, और जयंती के मौके पर गांव सबीरपुर के जो दलित वर्ग के लोग थे, उन्होंने जुलूस निकालने का फैसला लिया, और वहां पर एक संत रविदास मंदिर है, तो मंदिर के चबूतरे में इस मौके पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का भी फैसला लिया था। लेकिन वहां के जो संबंधित अधिकारी थे, तो उन्होंने उनको ना तो जुलूस निकालने की परमिशन दी और ना प्रतिमा रखने की परमिशन दी। लेकिन वहाँ के दलित वर्ग के लोगों ने तो वहाँ के बयान, मेरी पूरी बात तो रखने पूरी बात है, अभी तो मामला है, मेरी बात रखने तो मानने, ये ठीक नहीं है, ये 3 मिनट हो गया, अभी मैंने 3 मिनट में बोलना है माननीय उप सभापति जी, 3 मिनट में बोलना है, सवाल 3 मिनट का नहीं है, मामला गंभीर है। माननीय उप सभापति जी, तो वहाँ जो दलित वर्ग के लोग थे सबीरपुर गांव के, तो उन्होंने अधिकारियों की बात मानकर ना तो जुलूस निकाला और ना ही प्रतिमा रखी, तो और उनका अधिकारियों की बात मान ली। उसके बाद 14 अप्रैल के बाद अगले महीने फिर 5 मई को महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर, तो उनके अनुयायी लोग तो वहां पर जुलूस निकाल रहे थे, तो वहां के दलित वर्ग के लोगों ने तो जो अनुयायी लोग थे उनसे उन्होंने झगड़ा नहीं किया, उनको और मान्य जो नहीं, 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 नह
also. So now you you made your point. I understood. You made your point. I understood. I have to allow others also. मेरी बात पूरी रखने दो। अच्छा नहीं मान्य उप सभापति जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी बात जरूरी बात है, इम्पोर्टेंट बात है, मेरी बात को रखने दो। यस तो मैं कहना चाहती हूँ इन 267 अगले महीने यू कैन ओनली आस्क फॉर अ डिस्कशन दैट इज ऑलरेडी आस्क्ड। So it is over. You cannot make a speech here. No. Gulam Nabi Azad. ये ऐसे कैसे हो जाएगा ये? हाँ? तो होगा नहीं यार। मुझे बोलने नहीं दोगे? होगा नहीं यार। आगे राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। I have so many names. मुझे बोलने नहीं दोगे? तो मुझे इस बदल में रहने का क्या इस्तीफा देती हूँ? Look here. यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आगे इस्तीफा देती हूँ। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज।